सबसे पहले यहाँ से वो मेल को हमको पकड़ना है और कॉकाटेल्स काटता बहुत तेज है। ओए काटो मत कैमरा का तार है यार यार, छोड़ दिया। ये है मेल और यहाँ नांटुदा का पेंटिंग का काम जारी है लगातार, क्या क्या नहीं कर रहा है पता नहीं चल रहा है। और ये एक मतलब टेबल था और काठ का बनाया हुआ था ये स्ट्रक्चर, और नांटुदा ने बताया कि दीपंकर दादा इसका हाल मैं पूरा चेंज कर दूंगा, और एक के बाद एक और ऐसे मतलब प्रे करके क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आ जाइए फैजल भाई, आ जाइए मामा जी। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, ये है फैजल भाई और ये है मामा जी, और हम तीनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और फैजल भाई कलकत्ता से आए हैं और साथ में लेके आए हैं बहुत सारा कॉकटेल्स। एक्चुअली ठाकुरिका दास मैडम जी उनका शिफ्टिंग जॉब है, इन लोगों का मेंटेनेंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि पैरट दीपंकर का एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म पे ये सारे कॉकटेल्स को भेजने के लिए। और लास्ट कुछ दिनों से ये सारे कॉकटेल्स को एक होटल में रखे गए थे एक केज के अंदर, इसलिए इन लोगों का हाल थोड़ा सा खराब हो गया है। लेकिन अभी मैं ठाकुरिका मैडम जी से कहना चाहूंगा कि पैरट दीपंकर का एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म में ये सारे कॉकटेल्स, आपका सारे कॉकटेल्स, आपका सारे प्यारे कॉकटेल्स पहुंच गए हैं, आपको और चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। उसके साथ यहाँ एक ब्रीडिंग पेयर भी है, मतलब यहाँ भी मतलब ये अंडा लेके बैठी है, एक फीमेल होगी शायद, तो इसको ऐसे ही मैंने लाने के लिए बोला था और ऐसे ही इसे लाया गया है। और तो मामा जी इसको इस केज में यहाँ ऊपर इस मटकी के साथ इसको ऐसे रख देना है ताकि ये जो अंडा ले किया है वो हैच कराने के लिए यहाँ बैठ पाए, और बाकी का जो सारे है कुछ दिन यहाँ रखेंगे, इन लोगों का थोड़ा सा बेसिक ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद जब ये लोग एकदम पूरा के पूरा ठीक हो जाएगा, हेल्दी फिट हो जाएगा, उसके बाद मेरा ओपन एवियरी में ले जाके छोड़ेंगे। तो फजल भाई आपको थोड़ा सा हेल्प करना है सब थोड़ा सा काम करने के लिए, और आज तो संडे है, क्या कहूँ बहुत सारा विजिटर्स आते हैं, तो तुमको थोड़ा अपना हाथ मतलब फजल भाई के बारे में क्या कहूँ, अभी पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली का, पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ इतना क्लोजली जुड़ गए हैं, मतलब भाई जैसा हो गया है फजल भाई। फजल भाई का दुकान है कलकत्ते में, मोबाइल का शॉप, बहुत सारा शॉप, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग फजल भाई का दुकान से मोबाइल खरीदिए, एकदम बेस्ट प्राइस में आप लोगों को मिलेगा, और उसी के साथ पैरट दीपंकर यूट्यूब चैनल आप लोगों को देखना है। तुम्हारा नंबर और एक बार शेयर कर दो, 9830 9830 35 35 8656 8656। तो अगर आप लोगों को मोबाइल का शौक है तो प्लीज़ फजल भाई को इस नंबर पे फ़ोन डायल कीजिए और बुकिंग करा दीजिए। प्लान में थोड़ा सा चेंज किया, इतना बड़ा केज में सारे कॉकटेल्स को एक साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नीचे का जो सब है ये सब लोग थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन ऊपर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लाकिंग वगैरह किया है शायद, तो ये ऊपर का सारे कॉकटेल्स को यहाँ रखेंगे और नीचे का यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट कराएंगे, उसके बाद एक साथ छोड़ेंगे। फजल भाई इस गेट को थोड़ा सा ओपन करो, खोल दो गेट, जाओ 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 जाओ, हो गया, चला गया ऊपर का सारे, और यहाँ इसी केज के अंदर इन लोगों को एक हफ्ते के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा लाइट एंटीबायोटिक भी इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक दो कॉकटेल का आँखों का चारों तरफ देखिए थोड़ा सा फूल सा गया है, तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक देना सही जाएगा। और मामा जी का तो यहाँ हो गया बंदोबस्त, मामा ये ऐसे रस्सी से आप बांधेंगे तो काट तो नहीं देंगे ना, कुछ नहीं होगा। और मामा जी ने इस मटकी को यहाँ ऐसे सेट किया, और अंदर जो दिख रहे हैं 4-5 अंडा भी है, और फीमेल अभी यहाँ ऐसे लटका हुआ है, और यहाँ से एक मेल, अच्छा सा मेल पकड़ के इसके साथ छोड़ना है, क्योंकि कौन इसका पेयर है कौन मेल है वो तो हमको पता नहीं। और कॉकटेल जब एडल्ट हो जाता है तब थोड़ा आसान हो जाता है मेल फीमेल पहचानना, क्योंकि ये एकदम सामने जो बैठा है देखिए ये फीमेल है, क्योंकि इसका बॉडी का ऊपर देखिए येलो का बहुत ज़्यादा ग्लो है, फोकस शायद उतना अच्छा से नहीं आ रहा है फिर भी। और ये जो बैठा है यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसका बॉडी का ऊपर उतना ज़्यादा येलो का कोई ग्लो नहीं है, तो ये मेल है, और जिसका येलो का थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो रहता है वो फीमेल है, और यहाँ जो है ये तो फीमेल है, और ये जो है इसको ही पकड़ के इनके साथ मतलब छोड़ेंगे और उम्मीद करेंगे बहुत ही अच्छा प्यार बन जाएगा। तो फजल भाई सबसे पहले यहाँ से वो मेल को हमको पकड़ना है, और कॉकटेल्स काटता बहुत तेज है, एक बार काटेगा तो एकदम खून निकल के ही छोड़ता है। हाँ काटो मत प्लीज 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 प्लीज। फजल भाई इसको पकड़ो, और ये देखिए ये मेल है पक्का, ये मेल ही होगा और ये फीमेल है। अच्छा उसको बंद करो और इसको खोलना है फजल भाई, ठीक है मैं खोलता हूँ, छोटा गेट खोलो। हाँ ओए काटो मत कैमरा का तार है यार यार, छोड़ दिया। ये है मेल और ये फीमेल,
और उम्मीद करता हूँ अच्छा पेयर बन जाएगा, दोनों हेल्दी है और वहाँ अंदर 4 अंडा है। पता नहीं उस अंडों पे जाके बैठेगा, हैच कराएगा कि नहीं, फिर भी दोनों एक साथ रहेगा। और ये तो फीमेल है, अभी तक तो बैठी थी अंडे का ऊपर, और देखेंगे क्या होता है। गेट को अभी किया बंद और फिर जो है चलो इस साइड में छोड़ते हैं। फजल भाई गेट ओपन करो। हाँ ये भी हो गया ओपन, और चलो जाओ 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 जाओ। जो देख रहा हूँ फीमेल ज़्यादा है, मेल कम है। और वो जो सामने एकदम है वो भी फीमेल है, और सामने जो बैठी है वो भी फीमेल है, और इन दोनों का अंदर ये फीमेल है और ये मेल है, लेकिन इसका पैर में बचपन से शायद थोड़ा सा हैंडीकैप्ट है। चलो जाओ जाओ जाओ। नहीं ऐसे निकल नहीं रहे, तो हमको जो करना है हाथों से पकड़ के इसको छोड़ना, काटना मत। हाँ चलो जाओ, थोड़ा सा वीक हो गया है, ठीक हो जाएगा। चलो चलो जाओ 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 जाओ। हो गया, छोड़ दिया है सबको, और सारे के सारे कॉकटेल्स यहाँ। तो मामा जी यहाँ ऐसे एक पर्च लगा देना है बैठने के लिए, एक लकड़ी वगैरह ऐसे स्ट्रेट करके लगा देना है, ताकि ये लोग जैसे बैठे हैं आराम से ये लोग भी बैठ पाए। यहाँ एक लगाया हुआ है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे मतलब 4 है और यहाँ 5 है, 2 4 5, और थोड़ा ज़्यादा बड़ा केज होता तो और भी अच्छा होता। फिलहाल अभी इन लोगों के लिए यही है, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए उतना बड़ा केज भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि अभी ये लोग उतना ज़्यादा यहाँ फ्लाई नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 दिन यहाँ रखेंगे, उसके बाद बड़ा केज में इन लोगों को शिफ्ट कर देना है। और सारे बार्ड्स को देख के जो लग रहा है ये लोग सारे फेदर साफ कर रहा है, मतलब यहाँ ज़्यादा थोड़ा कम्फर्ट फील कर रहा है, बहुत अच्छा बात है। और ये लोग भी देखिए लग रहा है कि नया जान मिला। और मामा जी पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पाउडर मिक्स करके उसके साथ नियोपेप्टिन मिक्स करके आप दीजिए, उसके बाद एक दो दिन के बाद थोड़ा सा लाइट मेरी क्वीन एंटीबायोटिक इन लोगों को देना है, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फजल भाई आपको थैंक यू सो मच, आप इतना सुबह ठाकुरिका मैडम जी का सारे प्यारे कॉकटेल्स को लेके आप कलकत्ता से यहाँ तक आए हैं तरुण दीपंकर का बर्ड ब्रीडिंग फार्म पे इन लोगों को शिप करने के लिए। ठाकुरिका मैडम जी को मैं कहना चाहूँगा आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका सारे प्यारे कॉकटेल्स तरुण दीपंकर का, मतलब आपने जो सोच के इतना विश्वास करके आपका सारे प्यारे बर्ड्स यहाँ भेजे हैं हम लोगों का फार्म पे, तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा जितना हो पाएगा हम लोगों का हिसाब से इन लोगों का सही केयरिंग सही ट्रीटमेंट करेंगे, और कोशिश करेंगे जितने अच्छे से केयरिंग और ट्रीटमेंट करके हम लोग को रख सकते हैं उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। और उसी के साथ आपको थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने सोचा आपका सारे प्यारे बर्ड्स पैरोट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म में जाके वो अच्छा रहेगा, मतलब सही रहेगा, हम लोग सही से रख पाएंगे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और उसी के साथ ये दोनों कॉकटेल्स तो मतलब एकदम कम्फर्टेबली बैठ गए हैं, और उन लोगों का मटकी भी अंदर लगा दिया है और मटकी का अंदर अंडा भी है, और अभी देखना बाकी है कि अंडे पे जाके बैठता है कि नहीं। और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ दबाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। और उसके साथ यहाँ कुछ बंगाली फिंचेस भी मैंने रखे हैं, और ये सब के सब एडल्ट भी हो गया है, इन लोगों को अलग सेपरेट ब्रीडिंग सेटअप में डालेंगे, और बाद में इसका अलग वीडियो बनेगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और यहाँ तो मेरा ब्लू गोल्ड मकाओ का एक बेबी है जो नया नया पैरोट दीपंकर एक्जोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म पे आया है, और उसी के साथ मुंबई का फरहान अहमद सर की तरफ से भेजा गया है पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हेल्पलेस लोगों को सहायता करने के लिए बहुत सारा चैरिटी का सामान, और वही सारा सामान को पैकेजिंग के काम में हम लोग अभी लगे हुए हैं, बहुत सारा पैकेजिंग वगैरह हम लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारा परिवार है जो सब परिवार का सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसे कुछ है नहीं, मतलब ऐसे कुछ परिवार है जिन परिवारों का ज्यादा से ज्यादा लोग हैंडीकैप्ड है, 5 लोग उनमें से 4 लोग हैंडीकैप्ड है, और ऐसे कुछ परिवार भी है जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके उन लोगों का फैमिली है और हस्बैंड पैरालाइज हो गया है, मतलब उन लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग ऐसे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कुछ परिवारों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों को सहायता करने के लिए हम लोग पैरोट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू तो हमेशा करते रहते हैं ऐसे काम, और इस बार मुंबई का फरहान अहमद सर की तरफ से भेजा गया है उन लोगों के लिए ये सारा चैरिटी का सामान, बहुत सारा सामान। तो एक एक परिवार के लिए मतलब एक एक पैकेज में हम लोग जो सारा सामान दे रहे हैं, ये रहा चावल और ये रहा आटा, गेहूं का आटा थोड़ा ऐसे प्लेस करके रखना होगा, और उसके साथ शक्कर हो गया, उसके बाद एक टाटा सॉल्ट, और उसके बाद टर्मरिक पाउडर और चिली पाउडर, उसके बाद यहाँ बिस्किट्स है, यहाँ भी चिली और टर्मरिक पाउडर है, और यहाँ भी बिस्किट्स है, तो इसको ऐसे करके करना पड़ेगा, और ये बोरा शायद छोटा पड़ जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं देखते हैं। बहुत सारा बिस्किट का पैकेट है, नहीं अंकल जी यहाँ नहीं होगा, और यहाँ मैगी का पैकेट है, अंकल जी इस बोरे में पॉसिबल नहीं है। हाँ ये बोरा छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए सारे जो बिस्किट्स वगैरह है अलग सा एक छोटा सा ऐसे पॉली पाउच ले लिया, इसे यहाँ रहने देते हैं अभी। हाँ
हो जाएगा। और उसके साथ यहाँ ऐसे एक साड़ी भी है। और तो एक चीज़ भूल गया था, दाल, दाल को यहाँ ऐसे दे देते हैं। तो हो गया, ऐसे ही दोनों मिलके हम लोगों का एक एक परिवार के लिए ऐसे ही पैकेज है। अंकल जी अभी इसको बांधना है ऐसे करके, यहाँ सील करके, ये दोनों मिलके हम लोगों का हो गया है एक परिवार के लिए। और तो पैरोटी पंकज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सारे मेंबर्स मिलके, सारे व्यूअर्स, सारे सब्सक्राइबर्स, सारे फैंस को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आप लोग सपोर्ट करते आए हुए हैं ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा। आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी जाके पैरोटी पंकज चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग हेल्पलेस लोगों को हेल्प कर पाते हैं। और स्पेशली मुंबई का फरहान हामिद साहब, आपको स्पेशली दिल से थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हैं तभी जाके पैरोटी पंकज चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग ऐसे नेक काम में शामिल हो पाते हैं। थैंक यू सो मच फरहान साहब, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ समीर दादा है, तिमिर अंकल है, हम लोगों का डेवलपमेंट वर्क, मतलब पैरोटी पंकज चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग जो डेवलपमेंट वर्क करते हैं उनका देखभाल करते हैं तिमिर अंकल जी। तो हम सब मिलके कल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देखिएगा तो आपका आंखों में आंसू आ जाएगा। और तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए हैं मैं, तिमिर अंकल और यहाँ सारा सामान। तो पहुँच गए हैं काकू, चलो भीतर ही তোমরা ভালো আছো তো? ভালো তো, দুনিয়া ভালো। হ্যাঁ তুমি আগিও তাই। হ্যাঁ জামা বান্ধ, বসো বসো। প্রথমে বলো তোমরা কেমন আছো সবাই? ভালো আছো তো? আচ্ছা আবার আমরা প্যারোটি পঙ্কজ। হ্যাঁ আমি ভালো আছি, একটা কাঁচি দাও তো। থোড়ি দের পেলে জেসে আপ লোকো বোলা থা কি এসে এক পরিবার হ্যাঁ জাহাঁ তিনো ভাই বহন হ্যাঁ আর তিনো কে তিনো ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড হ্যাঁ আর আর্নিং মেম্বার এসে কোই হ্যাঁ নেহি। ইনকা জো পিতাজি হ্যাঁ উনকা হার্ট মে ছেদ হ্যাঁ তো মতলব এসে কোই হ্যাঁ নেহি কে কুছ আর্ন করে ইস পরিবার কে লিয়ে। আর তো ইসি কে লিয়ে প্যারোটি পঙ্কজ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কে থ্রু আপ মে সে বহুত সারা নেক দিল ইনসান বহুত সারা সাপোর্ট করতে হ্যাঁ। আপ লোকো কা সাপোর্ট কো লে আকে এসে হি সারে পরিবার কো থোড়া সা মতলব রিলিফ থোড়া সা হেল্প করনে কে লিয়ে কোশিশ করতে হ্যাঁ প্যারোটি পঙ্কজ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কে থ্রু। তোমরা মোটামুটি সবাই ভালো আছো আগের থেকে তো? আজকে তোমাদের জন্য আবার অনেক কিছু আনা হয়েছে, অনেক বিস্কিটস আছে। আচ্ছা একটু পিছিয়ে বসলে আমি এখানে দিতে পারবো। আচ্ছা এইখানেই সব দিই। বিস্কিটস আছে অনেক, এটা একটা বড় বিস্কিট। এটা লঙ্কা হলুদ আছে, এটা ম্যাগি আছে, আর এটা চিনি, ছোলার ডাল আছে, লবণ আছে, আর এটাতে আটা, আটা মাসিমা এইখানে রাখলাম, আর এটাতে আরও কয়েকটা বিস্কিটস আছে, আর এটা চাল। ঠিক আছে মাসিমা, তাহলে এটা আপনি এগুলোর মধ্যে গুছিয়ে নেবেন। আর উসিকে সাথে এসে বহুত সারা পরিবার হ্যাঁ আপ লোকা সহায়তা সে এসে কুছ মানি পয়সা ভি হাম লোক হর মহিনা এসে পরিবারও কো দেতে হ্যাঁ। আর এ হাম লোক কর পা রে সির্ফ আপ লোকা দোয়া সে। তো ফির সে একবার মে প্যারোটি পঙ্কজ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কি তরফ সে সারে ভিউয়ার্স কো কহনা চাহুঙ্গা থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপ লোক হ্যায় তভি জাকে প্যারোটি পঙ্কজ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কে থ্রু হাম লোক এসে নেক কাম কর পাতে হ্যায়। ঠিক আছে তাহলে আসি, ভালো থেকো তোমরা, আবার দেখা হবে। ঠিক আছে আবার আসো, ভালো থেকো। হ্যাঁ হ্যাঁ আবার আছে ঘন্টা পর। আর কেমন আছো? ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, তো মতলব ইনকা ঘর মে মতলব সামনে পানি হ্যাঁ ইসলিয়ে যা নেই পায়েঙ্গে। দিদি আপনি এটা তাহলে, এটা ভারী আছে, এটা কাউকে একটা দিয়ে তাহলে আপনি বাড়িতে নিয়ে যাবেন, নমস্কার নেবেন, ভালো থেকো বাবা। থোড়া সা পেসো কা সাপোর্ট হাম লোক করতে হ্যাঁ হর মহিনা। ঠিক আছে বাবু আসি, সাবধানে থেকো পিন্টু, চলো। কাম টু চিন্তামণিপুর ভিলেজ ইন সুন্দরবন, নাও আই এম স্ট্যান্ডিং, কাম টু গোপালনগর ভিলেজ ইন সুন্দরবন এরিয়া, নাও আই এম স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হাউস অফ বুদ্ধদেব শীত, বুদ্ধদেব শীত ইজ ডেলিভার্ড, টুডে আই হ্যাভ কাম টু দক্ষিণ গোপালনগর ইন সুন্দরবন এরিয়া।